हाई ग्लाइसेमिक इंग्रेडिएंट चावल लेना ही पाओ, तो मैं कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता हूँ? खाना खाने के बाद सो जाते हैं, अल्टीमेटली वो बैक ही अपने फेस पे ही आता है, सनस्क्रीन का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो हेलो, आई एम लकी, बी लकी विथ लकी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक्ने प्रॉब्लम के बारे में, जो कि एक देखा जाए तो माइनर प्रॉब्लम है, बट वो मेजर बन जाता है, हमारे कॉन्फिडेंस गिरा देता है एंड इट अफेक्ट्स अवर स्टडीज एंड ऑल द थिंग्स अवर टीनेज। मोस्ट प्रोबेबली ये टीनेज में ही होता है। एक्ने एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि दवाइयों से और किसी ऐसी चीज से ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए पूरा रूटीन होता है एंड यू नीड टू फॉलो दिस रूटीन वेरी सीरियसली। इट इंक्लूड्स योर केयर ऑफ एक्ने and what to eat and what to apply on your face, how much sleep you are taking, how much water you are taking. This is the full video on all what you have to do to cure your acne. इससे ज़्यादा कुछ मत करना, my guarantee 30 days challenge, acne will vanish, I swear. और इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा ये ना सिर्फ आपके पिंपल्स को ठीक करेगा बट ऑल्सो आपकी स्किन का पिगमेंटेशन, आपका स्किन ग्लो करने लगेगी। बिकॉज इस वीडियो में जो भी बता रहा हूँ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने का ही एक तरीका है और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे इंडियन फूड्स इतने हेल्दी नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ऑयली खाना खाते हैं। तो एक पूरा हेल्दी हैबिट्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, सो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा भाई लोग जिम जाओ। हाँ, जिम जाने से आपके पोर्स खुलेंगे, आपकी जितना भी डर्ट है अंदर का सब प्लस आउट होगा। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं एक्ने से बहुत फाइट कर रहा था, मेरी एक्ने की प्रॉब्लम 6-7 साल से भी जाने की थी, बट जब जिम ज्वाइन किया तो मुझे काफ़ी बेनिफिट्स मिले, काफ़ी चेंजेस मिले, बट वो चेंजेस कम्प्लीटली नहीं थे। तो फिर एक पूरा रूटीन फॉलो किया, तो शुरू करते हैं हमारे मॉर्निंग से। सुबह उठने के बाद आपको एक गिलास पानी लेना है, उसमें आपको जीरा डालना है और उसको एक पैन में बॉईल करना है, फिर उसके ऊपर से थोड़ा सा जिंजर क्रश करके डाल दीजिए और जब तक डला लीजिए जब तक कि कलर ना आ जाए, राइट, वो कलर आ जाता है थोड़ा सा ब्राउनिश सा कलर आएगा वो आ जाने दीजिए, दैन उसको फिल्टर आउट कर लीजिए। फिर उसमें आप उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद लेमन डालिए, गर्म में लेमन डाल देंगे ना तो प्रॉब्लम ये होगा कि डिनेचुरेशन हो जाएगा लेमन के अंदर जो भी प्रोटीन एंड हेल्पिंग सब्सटेंसेस हैं, तो उसके लिए आप थोड़ा सा उसको ल्यूक फॉर्म होने दें, लेमन निचोड़ें, दैन उसके बाद आप, अगर एक पर्सनल एडवाइस होगा ऑप्शनल है, आप उससे एक पी साइज का टर्मरिक भी डाल सकते हैं। टर्मरिक में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। और अब बात करें इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, देखो जीरा सबसे पहले हमारा डाइजेशन इम्प्रूव करेगा, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, विटामिन सी जो कि स्किन में कोलाजिन इम्प्रूव करेगा, एंड मूविंग फॉरवर्ड जिंजर अगेन हेल्प इन वेट लॉस एज लेमन, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन अवर हेयर बेनिफिट्स लाइक हेयर की कंडीशन इम्प्रूव करेगा, थिकनेस इम्प्रूव करेगा, एंड टर्मरिक का मैं बता ही चुका हूँ। सो दिस इज द कम्प्लीट पैकेज मॉर्निंग ड्रिंक and will help you a lot. Moving forward to breakfast. अब breakfast में क्या होता है, सुबह से हम लोगों को भूख लगती है तो कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं, उल्टा सीधा खाने का मन करता है, मम्मी से बोलते हैं परांठे बना दो, पूड़ी बना दो एंड समोसा वगैरह खा लेते हैं, बट ये सब खाने से बचें बिकॉज इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट योर स्किन। टेस्ट तो अच्छा लगेगा बट स्किन से कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हाई ग्लाइसेमिक प्रोडक्ट्स जो हमारे इंडियन फैमिली में बहुत खाए जाते हैं, स्टार्ची प्रोडक्ट लाइक आपको पोटैटो कम खाना है ब्रेकफास्ट में, इवन पोटैटो खाना ही कम है लाइक, एंड मूविंग फॉरवर्ड आपको मीठा कम खाने हैं, डोनट्स होते हैं जो वो कम खाने हैं, एंड उसके बाद जो भी स्वीट्स मिलती हैं आइसक्रीम्स ये सब कम खाना, ईट लेस शुगर एज मच एज लेस शुगर यू कैन टू अल्टीमेटली इम्प्रूव योर स्किन क्वालिटी। And in the morning breakfast, try consuming oats. And if you are a gym guy and having problem in drinking whey protein, raw whey protein, mix it with oats and consume it. It will be a great help. Ultimately, आपका काम क्या है? आपको अच्छा दिखना है. Ultimately तो यही है ना. तो gym तो जाओ ही भाई. You can consume brown bread with peanut butter. Moving ahead to lunch. अब देखो यार, लंच में हमारे घरों में जो खाना बनता है अल्टीमेटली खाना तो हमको वहीं पड़ता है जो कि अननेसेसरी फैट और कैलोरीज से लोडेड रहता है, एंड वी ऑल नो दैट, क्या करें जो बनता है खाना वहीं पड़ेगा, बट वी कैन ईट इट स्मार्टली लाइक वी कैन ऐड सम सैलड्स टू इट, एंड ऑल्सो वी कैन कंज्यूम गुड प्रोडक्ट्स लाइक चना
एंड चना की सब्जी हो गई, छोले की सब्जी हो गई, और जो कि होते हैं सोया चंक्स हो गई, सोया भरी हो गई, एंड ऑल द टाइप्स ऑफ दाल, सब बहुत अच्छी होती है। बट एक्स्ट्रा फैट से दूर रहें, अगर थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स खाना है तो जीरा राइस आप खा सकते हैं, एंड रोटी रोटी में लिमिट रखना जरूरी है। आप बहुत ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर सकते, पहली बात तो उसमें ग्लूटेन होता है, जो कि चलो ठीक है असाइड रखते हैं, ग्लूटेन इज नॉट दैट मेजर प्रॉब्लम, बट आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते, आपको 3 से 4 रोटी ही खानी है इफ़ यू वॉन्ट अ फिट एंड अ गुड बॉडी एंड स्किन। और भाई बहुत लोग दोपहर का खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, नहीं करना है भाई। खाने के बाद एटलीस्ट 5 से 10 मिनट इन आफ्टरनून और आधा घंटा इन नाइट आपको वॉक करना है, कुछ भी करते रहे वॉक करना है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू इवनिंग स्नैक्स, सबसे ज्यादा क्रेविंग होने का टाइम, बट एट दिस टाइम यू कैन टेक लाइक ब्लैक कॉफी, टेक ब्लैक टी, ग्रीन टी, एंड कुछ खाने का मन करता है तो आप कुछ मुंह में रख सकते हैं, जैसे च्युइंग गम हो गई, तो वो अपना मुंह चलता रहेगा ना, तो माइंड पे सिग्नल जाएगा कि अपन कुछ खा रहे हैं, बट वो चलती रहेगी, तो आपको भूख नहीं लगेगी उस टाइम पे और क्रेविंग नहीं होगी, आपको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो यही है भाई इवनिंग स्नैक। अब चलते हैं हमारे लास्ट मील की तरफ जो है डिनर। अब इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील, एंड what we eat and how much we eat will only gonna reflect our skin and body. Like night ka meal bahut important hota hai, right? So eat less chapatis, maximum 3 chapatis hi aap kha sakte hain agar aap mere hi age ke hain, like 15 to 20, to aap 3 chapati hi khaiye, aur jo ki heavy products jo maine bataye the, jaise starch ho gaya, ye sab nahi khana hai, dal roti khao, prabhu ke gun gao, सब चीज भी खा सकते हैं बट ओनली ग्रीन वेजिटेबल्स। और रात को ना अलग से सैलेड्स काट के मत रखना, क्योंकि यार सैलेड्स में क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि फाइबर होने से आपका ब्लोटिंग कर सकता है, पफिनेस कर सकता है मॉर्निंग में, तो जो कि एक अच्छा नहीं दिखता है, आपकी डबल चीक्स आ जाते हैं जो कि सुंदर नहीं लगते हैं, तो ब्लोटिंग पफिनेस से बचे। और हाँ, एक्स्ट्रा सॉल्ट मत डालें, जितना घर में मम्मी ने बनाया है चुपचाप खा लो, सॉल्ट वाटर रिटेंशन करता है और अगेन आपको ब्लोटिंग देता है। और भाई डिनर के बाद तो कसम ठान लो आधा घंटा मिनिमम आपको वॉक करना ही करना है। हाँ, एक्सरसाइज मत करना, हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल मत करना, बट वॉक मस्ट है, क्योंकि आप खाने के बाद चलेंगे फिरेंगे नहीं, सीधा लेट जाएंगे, इट इज अ बैड हैबिट एंड अ बैड रूटीन। अब आती है प्रिकॉशंस, क्या क्या गलतियां बन जाने में कर देते हैं जो कि हमारे एक्ने को और बूस्ट कर देता है कम करने के बजाय। तो सबसे पहले यार अपने फेस के लिए एक सेपरेट टॉवल रखो, मस्ट है, और उसको हर नेक्स्ट डे पे धुलवाना है, वो टॉवल धुली होनी चाहिए हर नेक्स्ट डे, एंड ऑल्सो आपके जो पिलो कवर होते हैं उनको भी अल्टरनेटली धुलवाना है, क्योंकि आपका पूरी रात उनसे फेस लगा हुआ होता है, तो उनको तो मस्ट धुलवाना है। एंड ऑल्सो आपको सुबह सुबह की जो एक धूप होती है ना, बिल्कुल सन किस टाइप की, वो आपको लेनी है, उससे विटामिन डी मिलेगा एंड आपके चेहरे में और ऑल ओवर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्किन को हेल्प करता है विटामिन डी। एंड ऑल्सो फेस वॉश आपको दिन में 3 बार करना है, अगर धूप है या नहीं है डजेंट मैटर, यू नीड टू अप्लाई सनस्क्रीन। अब मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज करता हूँ आगे वीडियो में बताऊंगा, मैं जो प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ मैं सारे बताने वाला हूँ, होम रेमेडीज भी बताने वाला हूँ, आप बस देखते जाए। तो सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, और अगर आप धूप में जा रहे हैं बहुत ही सीवियर धूप है, तो आप क्या करें, आप अपने फेस को कवर करें, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से फुल फेस कवर्स आते हैं, बाय देम, डेफिनेटली बाय देम, डोंट टच योर फेस पॉइंटली। आप बार बार फेस पे हाथ मत लगाइए, और आप कहीं बाहर हैं अगर तो, और जैसे आपको पसीना आ रहा है तो यार हाथ से मत पहुंचिए, आपको पता भी नहीं है कितने बैक्टीरिया कितने इन्फेक्शन आपके हाथ में है, तो आप हाथ टच मत करिए, कीप अ क्लीन एंड एवरीडे वॉश्ड हैंकी इन योर पॉकेट। और बहुत लोग क्या करते हैं उसकी हैंकी में ना परफ्यूम स्प्रे करके रखते हैं, भाई जिससे आप चेहरा पोंच रहे हो परफ्यूम मत डालो उसमें भी केमिकल्स होते हैं। और एक गलती जो मैंने की थी और मैंने उसको सफ़र किया था, वो आप ना करें तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपन बार बार शॉप पे जाते हैं ना, वो उनकी एक टॉवल होती है जिससे वो अपना फेस वाइप करते हैं, भाई भूल के टच भी मत कर लेना, दिन भर में कितने तरह के लोग आ रहे हैं, उनको क्या क्या इन्फेक्शन है, लाइक वार्ट्स मस्से,
बहुत तरह के इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपको फैल सकते हैं। मुझे फैले थे, मेरे पूरे फेस पर वार्ड्स हो गए थे, उसका मैंने ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो आप क्या करें, अपनी अलग से टॉवल लेके जाएं, उनकी टॉवल यूज ना करें। और एक और चीज़ वो यूज़ करते हैं, वो ब्रश यूज करते हैं ना पूरे फेस पर, पाउडर ब्रश, तो वो पाउडर ब्रश भी यूज ना करने लें। आप कहते हैं मैं घर जाके नहा लूंगा, नो नीड टू अप्लाई दैट पाउडर ब्रश। तो चेक करना है कि वो ब्लेड चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मास्टर, जैसा कि मैंने कहा था 3 बार फेस वॉश करना है, तो चलते हैं लास्ट रात के फेस वॉश में। अब मैं फेस वॉश कौन सा यूज करता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत शानदार फेस वॉश है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मैंने अपनी फैमिली में सबको बताया है, सब लोग वही फेस वॉश यूज कर रहे हैं, इट्स इनसेन। फेस वॉश करने के बाद अगर आपके ओपन पोर्स हैं, जैसे बहुत लोगों के छेद छेद होते हैं या फिर इरिटेशन टाइप के, तो आप रेटिनॉल अप्लाई करें। इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज एंड क्लोजेस योर पोर्स एंड गिव्स यू ग्लो, नेचुरल ग्लो लाइक। और ऐसा ही सेम एक सप्लीमेंट, एक इंग्रेडिएंट होम रेमेडी का भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल के होम रेमेडीज वाले सेक्शन में। अब आते हैं होम रेमेडी वाले सेक्शन में, हम इंडियंस का फेवरेट टॉपिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मॉर्निंग से। तो यार अपन जब सुबह उठते हैं तो कई लोगों का फेस पफी हो जाता है ड्यू टू रॉन्ग ईटिंग हैबिट एट नाइट, बट अब हो गया है तो क्या कर सकते हैं, आप आइस मसाज करिए। आइस मसाज आइस क्या करती है, अपने चेहरे को टाइट करती है एकदम से, हैज अ सिंकिंग इफेक्ट ऑन योर स्किन। तो आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपकी स्किन थोड़ी सी आपकी जॉलाइन शार्प दिखेगी, ठीक है। मसाज के बाद देखो, आइस मसाज एवरीडे कर सकते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और उसके बाद अपन मूव करते हैं मुल्तानी मिट्टी। अब देखो मुल्तानी मिट्टी वो थोड़ा सा अगर आपको अच्छा यूज़ करना है ना, थोड़ा सा उसका लाइक कंसिस्टेंसी अच्छी चाहिए, तो उसको क्रश कर लें, देन उसको गुलाब जल में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। अब देखो फ्रिक्वेंटली यूज मत करना है, हफ्ते में 3 से 4 बार इज इनफ। एंड इसका काम क्या है, मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाना है आपको चेहरे पे, और काम इसका ये है कि आप चेहरे को टाइट करेगा, पोर्स क्लोज करेगा, जो भी ओपन पोर्स है क्लोज करेगा, जिनसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कि हमारे एक्ने को वर्सन कर देते हैं, तो उसके लिए मुल्तानी मिट्टी पोर्स क्लोज करती है। हमको पता नहीं है बट हमारी स्किन में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, कुछ गुड बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैड बैक्टीरियाज हैं, बट अल्टीमेटली चेहरे पर है जो वो हमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, तभी तो पिंपल हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए अपन क्या करना है, एक पेस्ट तैयार करना है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको उसमें टर्मरिक डालना है, आपको बेसन डालना है, आपको हनी डालना है, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है, अप्लाई ऑन योर फेस फॉर 10 to 15 मिनट, वॉश इट जेंटली एंड देन क्लीन इट जेंटली, एंड आप देखेंगे कि आपको बहुत फ्रेश फील होगा। स्क्रब, देखो स्क्रब पर बात ऐसी है कि स्क्रब आपको पहले तो पिंपल्स हैं और स्क्रब आप रोज कर नहीं सकते, बट डेड स्किन सेल्स भी हटानी है जिससे आपका ग्लो इंक्रीज होता रहे। तो आप हफ्ते में एक बार करें, बहुत जेंटली करें। अब है क्या स्क्रब में, आपको कॉफ़ी लेनी है, हनी लेनी है, दोनों को मिक्स करना है। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लग रहा है या इरिटेटिंग लग रहा है, देन सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी के साथ आपको यूज़ करना है दही। अब दही के साथ जब आप बनेंगे तो वो भी एक बहुत है, बट थोड़ा सा स्मूथ है कंपैरेटिवली। अगर हार्श चाहिए कॉफ़ी हनी वाला स्क्रब से क्या होगा, डेड स्किन सेल्स हट जाएगी, ग्लो इंक्रीज होता जाएगा। बट हफ्ते में एक ही बार, देखो सनस्क्रीन का कोई सब्स्टिट्यूट होम रेमेडी में नहीं है, इट इज मैंडेटरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बट रेटिनॉल का है। यस, रेटिनॉल का। अब रात को आप फेस वॉश करने के बाद, मैं रेटिनॉल लगाता हूँ, बट जिसको होम रेमेडीज फॉलो करनी है तब तो भी मैं भी कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है कि एक सबसे पहले तो चावल लेना है बाउल में, उसको 3 से 4 बार अच्छे से धोना है जिससे सारे केमिकल्स उसके निकल जाएं। उसके बाद क्या करना है, उस चावल को ना उसमें 6 घंटे के लिए सोक्ड रहने देना है, फिर उस चावल को हटा लेना, जो पानी बने वो है आपका राइस वाटर, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज और सिंकिंग प्रॉपर्टीज एंड ग्लासी कोरियन स्किन। या बहुत सारी कोरियन वीडियोस देखी होंगी वो राइस वाटर को प्रमोट करते हैं। यस, इट रियली हेल्प्स इन ग्लोइंग अवर स्किन एंड मेक्स इट ग्लासी। सो दिस इज कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर होम रेमेडीज इंक्लूडिंग मुल्तानी मिट्टी, आइस मसाज एंड स्क्रबिंग एंड रेटिनॉल, बट रेटिनॉल का सब्स्टिट्यूट ऑफ कोर्स, एंड बट सनस्क्रीन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आई एम सॉरी। एंड आप चाहे होम रेमेडी फॉलो करें, चाहे आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज करें, आपको फेस कवर करके ही धूप में निकलना है, दिस इज मैंडेटरी, गॉट इट। अब बात आती है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की, तो मैं कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करता हूँ, साथ में कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेता हूँ फॉर हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सप्लीमेंट्स से, क्योंकि मॉर्निंग में सप्लीमेंट्स ही लेने पड़ते हैं ब्रेकफास्ट के बाद में। तो वाइटमिन डी,
उसके लिए मैं सनलाइट ही लेता हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं सुबह सुबह जिम जाता हूँ तो मिल जाती है। देन वाइटमिन ई के लिए इवियॉन 400 कैप्सूल्स, ये है फोटो। देन उसके बाद वाइटमिन सी के लिए लिम्सी टैबलेट्स। वैसे मल्टीपल सोर्स से मुझे वाइटमिन सी मिल रहा है, बट एक्सेस तो मैं वैसे भी नहीं करता हूँ, अल्टरनेटली ही खाता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी कि रोज खाए वाइटमिन्स। वाइटमिन्स आर नॉट मेंट टू बी ईटन एवरी डे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं मेरा फेस वॉश कौन है, अब देखो जो मेरा फेस वॉश है इट इज वेरी स्पेशल, बट इसके साथ एक लिमिटेशन, ये ड्राई स्किन वाले यूज नहीं कर सकते हैं, बट ये जो फेस वॉश है ये आपको ग्लो दे देता है, आपकी एकदम से स्किन चमकने लगती है, टाइट हो जाती है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। इट हैज अ डीप क्लींजिंग इफेक्ट एंड इनबिल्ट स्क्रब इन इट। इट इज एथी ग्लो फेस वॉश। यस डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट चॉइस, एथी ग्लो फेस वॉश। देन मूविंग फॉरवर्ड टू माई सनस्क्रीन, अब अगेन माई सनस्क्रीन इज ऑल्सो वेरी गुड एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड टू एवरी वन। इट हैज नो प्रॉब्लम। एंड इसमें मैट फिनिश है, क्या होता है ना सनस्क्रीन लगाने के बाद चिपचिप होने लगती है, नहीं होगी भाई, मैट फिनिश है, ऐसा लगेगा एकदम मैट फिनिश कर दी हो किसी ने। और यहाँ पे इरिटेशन होती है ना सनस्क्रीन लगाने से, कई सनस्क्रीन करती हैं, वो नहीं करेगी। मेरी सनस्क्रीन है 360 ग्लो, 360 सनस्क्रीन, जो कि फाउंडेशन इफेक्ट के साथ आती है, अब लगाने के बाद चमकने लगोगे एकदम सिस्टम, ठीक है। और फिर बात करते हैं, अब मैं ऑब्वियसली 3 बार फेस वॉश करता हूँ, अगर वर्स कंडीशन है, मैं एकदम से कहीं धूल खा के आया हूँ भाई, 4th बार फेस वॉश करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं रात को सोने से पहले मैं फेस वॉश करता हूँ, तो मैं रेटिनॉल अप्लाई करता हूँ। अब मैं रेटिनॉल कौन से अप्लाई करता हूँ, वो ये रहा, तो मैं ये रेटिनॉल अप्लाई करता हूँ, एंड ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट मैं एज सच रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे को डर्मेटोलॉजिकली रिकमेंडेड है, बट आप कोई सस्ता सा अच्छा सा रिकमेंडेड रेटिनॉल देख सकते हैं। और एक और प्रोडक्ट जो मैं यूज करता हूँ वो है बियर शैम्पू। अब आपको स्किन की बात कर रहा हूँ, शैम्पू क्यों बता रहा है, इट अफेक्ट्स, क्योंकि जब अपन अपना हेयर वॉश करते हैं ना, तो अल्टीमेटली वो बैक ही अपने फेस पे ही आता है, और फिर वो अपने लाइक अगर एंटी, बहुत सारे मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम हुई है, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू मैं यूज करता ना, तो मेरी स्किन और वर्स हो जाती है, मेरे को पिंपल्स होने लगते हैं, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज मेरे को रिएक्शन करते हैं। तो मैं बियर शैम्पू का साइनियन बाउंसी वाला यूज करता हूँ, जो कि मेरे हेयर्स को काफी नेचुरल दिखाता है। मैं ऑयलिंग नहीं करता हूँ, मैं बाल में तेल नहीं लगाता हूँ, बट साइनियन बाउंसी वाला बियर शैम्पू मेरे को साइन देता है। तो ये रहा शैम्पू। अब ये जो वीडियो है ना, ये पूरी रूटीन, ऐसी वीडियो किसी ने डाली हुई, कुछ लोग कहेंगे ये लगा लो चेहरे पर, वो लगा लो, कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रोडक्ट यूज मत करो, कॉस्मेटिक्स यूज मत करो, यार मैं तो करता हूँ कॉस्मेटिक्स, कोई दिख रही है प्रॉब्लम। और रही बात विटामिंस की, एक्स्ट्रा विटामिंस खाने हैं भाई, एसेंशियल विटामिंस हैं जो अपनी बॉडी खुद नहीं बना रही है, वो तो खाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं, बहुत लोग ये बोलते हैं कि केवल तुम डाइट अच्छी रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं भाई, स्किन बाहर का हिस्सा है, थोड़ा सा तुम्हें बाहर से केयर करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ये कंप्लीट पैकेज वीडियो है, फॉलो करके देख लो। ये रहा मेरा पूरा रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ, हाँ सच में जो जो मैंने इस वीडियो में बताया आई स्वेयर मैं सब फॉलो करता हूँ। मैं प्रॉपर डाइट लेता हूँ, बैलेंस डाइट लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम बाहर का खाना कब खाया था। मेरे दोस्त मुझसे गुस्सा रहते हैं, भाई तू ना खाने चलता है, और हम खिलाते हैं तो खाता नहीं है भाई। अल्टीमेटली अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी चीट चलता है, जैसे कि मैं 7 डेज जिम करता हूँ, तो भाई मैं संडे को खा लेता हूँ कुछ, संडे को मेरा चीट रहता है, मम्मी से पोहे बनवा दिए, पूरी बनवा दी, बट एवरीडे तो नहीं खा सकते भाई। और दोस्तों के साथ वीकेंड्स पे जा सकते हैं, समोसा कचौरी जो खाना है, बट एवरीडे एज अ हैबिट मत बनाइए। तो ये पूरा रूटीन जो मैंने बताया मैं सच में फॉलो करता हूँ, आप करके देखिए। 30 डेज का चैलेंज है, स्किन इम्प्रूव नहीं हुई, आई स्वेयर, अगर एक भी कमेंट आ गया कि स्किन इम्प्रूव नहीं हुई, आई स्वेयर मैं वीडियो हटा दूंगा, यूट्यूब से वीडियो हटा दूंगा, मैं वादा करता हूँ। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल कर दो यार, कुछ नहीं जाएगा, सब्सक्राइब इट।